रमेश ठाकुर जी, एक वरिष्ठ पत्रकार होने के नाते ठीक है, देखिए यहाँ पे राजनीतिक तौर पर तो जो विपक्षी पार्टियां हैं वो तमाम सवाल खड़े करेंगी, जो मौजूदा पार्टी है जिनकी तरफ से अमित शाह वहां पहुंच रहे हैं वो ये बता रही है कि नहीं, अब उनके आने से बीजेपी को एक नई ऊर्जा और मिलने वाली है यहाँ पर, लेकिन वरिष्ठ पत्रकार होने के नाते आप इसका आकलन कैसे करेंगे, क्योंकि 17 और 19 दो चुनाव हम लोगों ने इन सबके बीच में देखे हैं, अमित शाह के हाथ में ही दोनों ही चुनावों की कमान थी, क्या वो इम्पैक्ट इस बार नजर आएगा या रणनीतिक तौर पर आप क्या देख रहे हैं अमित शाह के इस दौरे को और कितना महत्वपूर्ण मानते हैं, एक रिएक्शन में आपको चाहूंगा। देखिए आयुषी, मुझे लग रहा है जो मौजूदा जो भारतीय जनता पार्टी है वो बदली हुई है भारतीय जनता पार्टी, ये अतीत में क्या होता है, पिछले चीजों में क्या होता है, चाहे उस समय बंगाल का चुनाव रहा हो, उस समय ये कहा जा रहा हो कि इस बार भी जो चाणक्य नीति है वो काम करेगी, काम नहीं कर पाई। मुझे लग रहा है जो पिछला जो बीत जाता भाजपा उस पर बात नहीं करती है, भाजपा आगे की चीजों को देखती है और पॉजिटिव फ्रेम में आगे चलती है। मुझे लग रहा है दिल्ली से जिस तरीके से इनका दौरा हो रहा है तो ये आप मान लीजिए पूरी तरीके से चुनावी दौरा है, प्रबंधन को लेके वो बात करेंगे और वहां के जमीनी नेता जो हैं, वहां के जितने भी लोग हैं सब लोगों से एक फीडबैक लेंगे कि स्थिति कैसी है। लेकिन इसमें एक चीज आपको देखना पड़ेगा, ये सारे बड़े नेताओं के दौरे लखनऊ के तरफ ही क्यों हो रहे हैं, पश्चिमी उत्तर प्रदेश भी बचा हुआ है, बरेली भी पड़ा हुआ है और भी मंडल पड़े हुए हैं, वहां दौरे नहीं हो पा रहे हैं क्योंकि यहाँ की स्थितियां इनके अनुकूल है नहीं, क्योंकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से किसान धरने पे हैं और राकेश टिकैत साहब ने जो माहौल बना रखा है, तो मुझे लग रहा है यहाँ पे बीजेपी ज्यादा टच करके नहीं चल रही है। अब टच कर रही है 156 सीटें जो आती हैं पूर्वांचल में, जो लखनऊ से बिल्कुल जुड़ी होती हैं, इनमें 126 सीटों में जिस तरीके से, अच्छा होता क्या, उत्तर प्रदेश की जब सरकार बनती है, सूबे की जब सरकार बनती है, तो मुझे लग रहा है ये जो पूर्वांचल का जो इलाका है, यहाँ की जितनी विधानसभा सीटें हैं, मुझे लग रहा बहुत मायने रखती है सरकार बनाने के लिए, संगठन को मजबूत करने के लिए।